तेरे बाप की गाड़ी है जो यहाँ पे सेल्फी ले रही है। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? ये गाड़ी मेरी है और तू यहाँ पे खड़े होके सेल्फी क्यों ले रही है? तो मैडम आपकी गाड़ी है तो आपकी ही रहेगी, और मैं तो बस सेल्फी ले रही थी क्योंकि मुझे अच्छी लगी आपकी गाड़ी, तो मैंने सोचा चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ। अच्छा, शो ऑफ करने का बड़ा शौक है तो ले लेना, औकात तो है नहीं कि साइकिल भी ले और कार के सामने सेल्फी ले रही है। मैडम किससे पूछ के ले रही है? औकात पे मत जाना, औकात तो जाऊंगी तो क्या उखाड़ लेगी मेरा? साइकिल की औकात नहीं है, गाड़ी के सपने देख रही है जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। मैडम साइकिल और गाड़ी छोड़ो, प्लेन लेने की औकात है, ठीक है ना? प्लेन लेने की औकात है, मेरे आगे फेंकेगी, तुझे क्या लगता है तू मेरे आगे फेंकेगी और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? वाओ मैडम तो इतनी अमीर है। हेलो, कोई हमारे खानदान वाले नहीं हो जिसको इम्प्रेस करना, अनजान इंसान हो, और अनजान को बोले क्यों इम्प्रेस करना? इम्प्रेस कर भी नहीं सकती। अबे तेरा फूलिया देख के लग रहा है कितने गरीब फटीचर खानदान से। मैडम ना मेरे खानदान पे जाना ना मेरी औकात पे जाना, मैंने पहले भी बताया था अगर औकात बता दी ना तो पहले तेरी जमीन खिसक जाएगा। अच्छा हाँ तो बता क्या है तेरी औकात, और जाऊंगी तेरे खानदान पे और तेरी औकात पे भी, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ठीक है मैडम, अब बात उखाड़ने पे आ रही है ना तो उखाड़ ही देती हूँ मैं। क्या बोलो? अपनी औकात बताओ। ठीक है तो ध्यान से सुनना, PS इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ। क्या हुआ? और तुम्हारी ये लॉयल्टी टेस्ट दे रही थी मैं, मेरे कंपनी में काम करती हूँ, और ये गाड़ी दिवाली पर मैंने ही गिफ्ट किया है तुमको, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता क्योंकि मालकिन को तो कभी देखी नहीं हो। और सारे स्टाफ का आज मैं सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट ही ले रही हूँ कि कौन स्टाफ लॉयल्टी टेस्ट में पास होता है, और जो पास होगा ना उसकी कार सीधे यहाँ से ऑफिस में जाएगी। नहीं सॉरी मैम, नहीं कैसी बातें कर रही है मैडम? एक्चुअली बहुत सारे लोग आके ऐसे खड़े हो जाते, कांच वांच तोड़ देते, इसलिए मैंने सोचा कि कौन कांच तोड़ता है, CCTV लगा हुआ है हर जगह, अगर किसी ने कांच तोड़ भी दिया तो वो हरपाई करके जाएगा, ये तो बात पता होगी ना आपको। पर मैम बच्चे वगैरह तोड़ देंगे तो वो कैसे? कौन बच्चा तोड़ देगा इस एरिया में? बच्चा दिखता है आपको? ऑफिशियल एरिया है ना कि रेजिडेंशियल एरिया है। मैम मुझसे गलती हो गई, प्लीज नहीं नहीं माफ कर दीजिए, ये तो बस लॉयल्टी टेस्ट था, मैंने बोला ना, और आज ऑफिस के सारे स्टाफ की मैं लॉयल्टी टेस्ट ले रही हूँ, जो डिजर्व करेगा उसके पास ही कार होगा। अरे ये कार तो मैंने इसलिए दिया था कि ताकि तुम लोग को आने जाने में सुविधा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बारिश के मौसम में स्पेशली लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बस का धक्का खाते हो लेकिन हाँ वही डिजर्व करते हो फ्री टिकट से आना और जाना। मैम आपको पता है कि मुझे आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, ट्रैफिक, इसीलिए मैंने दिया था, और तुम्हें ही नहीं ऑफिस के सारे स्टाफ को मैंने कार गिफ्ट किया था सिर्फ इसलिए कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तुम लोगों को प्रॉब्लम के बारे में ना समझ ही नहीं आती, जरा सा एक कार क्या मिल गया इतनी ज़्यादा औकात बढ़ गए। हैसियत की बात कर रही हो, खानदान की बात कर रही हो, सुन लिया ना किस खानदान से बिलोंग करती हूँ, आइंदा जज मत कर लेना और निकल जाओ यहाँ से। मैम प्लीज, मैंने बोला ना आई सेड गेट आउट, और हाँ रिसेप्शन पे चाबी देके जाना।